तो हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के लिए सदन में आवश्यक इंस्टॉलेशन कार्य संपन्न हो गया है। इस बारे में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 8 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाईटेक हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र ऐतिहासिक होगा क्योंकि यह पहला ई विधानसभा सत्र होगा। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 18 करोड़ रुपए का था जिसे 8 करोड़ रुपए में करवाकर एक मिसाल पेश की गई है। इस प्रयास के साथ साथ लगभग 2 महीने पहले विधानसभा में 2 दिनों का प्रशिक्षण भी देने का काम किया जा चुका है। जो हम फुल्ली पूरी तरह से जो ई विधानसभा का काम है वो हमारी विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। कुछ लोगों ने शुरू किया है, 5-5, 6-6 साल हो गए, 7-8 साल भी हो गए, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं है। लेकिन हमारे ये प्रयास है कि जल्दी ही हम इसको पूरी तरह से ई विधानसभा जो है वो बनाएंगे। इसका जो सफ़र रहा उसके अंदर चाहे वो ई सेवा केंद्र को लेकर के हमने लगभग 2 महीने पहले विधानसभा परिसर के अंदर ही ई सेवा केंद्र की शुरुआत की थी। उसके पश्चात 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की टीम ने आकर